वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक सेकेंड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में पढ़ना रहता है। तो बात करते हैं अब किस डिपार्टमेंट को पढ़ना रहता है, किस किस डिपार्टमेंट को नहीं पढ़ना रहता है। तो अगर बात कर लेते हैं ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ईसीई, डबल ई, ट्रिपल ई, इंस्ट्रूमेंटेशन, सीएस, आईटी और कुछ सब्जेक्ट डिपार्टमेंट को रहता होगा पढ़ना। बट ये जो छः डिपार्टमेंट है, जैसे हो गया सीएस, हो गया आईटी, हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन, हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, हो गया डबल ई, हो गया ट्रिपल ई, हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट्स को ये पढ़ना रहता है सेकेंड ईयर में। इंस्ट्रूमेंटेशन का और ईसी का तो ये कोर सब्जेक्ट रहता है। आगे जाकर अगर आप मास्टर डिग्री अगर एमटेक करते हो तो भी इससे रिलेटेड एक तो मतलब सब्जेक्ट रहता ही है, या फिर इससे रिलेटेड आप कोई टॉपिक पे लेकर रिसर्च भी कर सकते हो आप हायर स्टडी में जाते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, या फिर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर कोई और एग्ज़ाम भी होता है मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो उसमें भी ये इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और ये सब्जेक्ट जो है वो मतलब इसको समझना भी आसान है और इससे स्कोर भी अच्छा आ सकता है। आप सेमेस्टर एग्ज़ाम का ही की बात कर लीजिए तो यहाँ पे अगर पढ़ के इसको आप अच्छा मतलब मार्क्स सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी ला सकते हैं। अगर गेट एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ से आपका 5 से 7 मार्क्स का, मतलब 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन गेट एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन तो गेट का जो स्टैंडर्ड होता है वो तो बहुत हाई लेवल का होता है, तो सारे क्वेश्चन तो इजी होंगे नहीं, तो कुछ क्वेश्चन इससे इजी वे में बन जाते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो किसी भी मतलब सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं बनता है। अब बात कर लेते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टोटल सिलेबस है वो क्या है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी का आप सिलेबस ले लीजिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस लगभग सेम ही रहता है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है जो कि गेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एक दो चैप्टर इधर उधर, एक दो टॉपिक इधर उधर होता है, बट लगभग सेम ही रहता है। तो मेरे पास जो है वो क्या है, AKU का सिलेबस है, तो मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ। तो सब AKU क्या किया है, टोटल सिलेबस को 5 मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया है। तो जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक फैमिलीज। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके अंदर हम लोग को पढ़ना रहता है नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक फैमिली। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और ये सभी का कन्वर्जन, मतलब एक को दूसरे में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो फंडामेंटल्स में पढ़ना रहता है हम लोगों को। अब बात कर लेते हैं लॉजिक फैमिलीज़ की। तो लॉजिक फैमिली में हम लोग को लॉजिक गेट्स और कुछ फैमिली है लॉजिक फैमिली, उसके बारे में शायद पढ़ना है। तो लॉजिक गेट में हम लोग को जो सिंपल जो गेट होता है, एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, ये सारे जो गेट हैं, XOR गेट, XNOR गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, तो ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उससे रिलेटेड उसका जो सर्किट डायग्राम क्या है, उसका ट्रूथ टेबल क्या है, ये सब हम लोग को मॉड्यूल 1 में हम लोग को पढ़ना है, तो उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अब आ गया मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में हम लोग को पढ़ना है कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट्स। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर वो है जो इस लॉजिक फैमिली, लॉजिक गेट्स जो यहाँ पे पढ़ना रहता है हम लोग को, उससे रिलेटेड यहाँ पे मतलब ये बेसिक फंडामेंटल्स का यूज हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट में करते हैं। जैसे इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना रहता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के मैप, इसके अंदर पढ़ना रहता है। आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, ये सारे रिलेटेड टॉपिक हैं जो इसमें हम लोगों को पढ़ना रहता है। BCD एडर, BCD सबट्रैक्टर, ये सब हम लोग को कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट में पढ़ना रहता है। अब बात करते हैं मॉड्यूल 3 में, इसमें है सिक्वेंशियल सर्किट्स। तो सिक्वेंशियल सर्किट्स में हम लोग को क्या पढ़ना रहता है, सिक्वेंशियल सर्किट्स में हम लोग को रहता है सबसे पहला जो इसका बेसिक चीज़ है वो है क्या, लैच। इसमें लैच पढ़ना रहता है, फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ना रहेगा, फिर इसके बाद काउंटर होगा, फिर इसके बाद रजिस्टर्स होगा, ये सब टॉपिक इसमें आता है सिक्वेंशियल सर्किट्स में। अब मॉड्यूल 4 है वो क्या है, A to D कन्वर्टर और D to
ए कन्वर्टर, तो इसके अंदर भी हम लोग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी गेट में भी हमेशा एक क्वेश्चन 1, 2 से 4 नंबर का हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे मतलब एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, हम लोग कैसे क्या कौन कौन सा मेथड यूज करेंगे एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए। नंबर 4 जो है, मॉड्यूल 5 जो है वो क्या है, सेमी कंडक्टर मेमोरीज एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। ये जो मॉड्यूल 5 है वो पूरा थ्योरी मतलब थियोरिटिकल टाइप का चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा मतलब जो सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं वो इस टाइप से आते हैं, मतलब जो नोट्स वगैरह लिखने के लिए आता है शॉर्ट नोट्स टाइप का, उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस मतलब थियोरिटिकल थ्योरी है, इसको बस रटने की चीज़ है इसमें है। मेन इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है वो जो है आपका कम्बिनेशनल है, सिक्वेंशियल है, ए टू डी कन्वर्टर है, और एक सबसे मेन जो है वो फंडामेंटल्स है। तो ये 4 ही मॉड्यूल है जो हम लोगों को पढ़ना है पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये था टोटल ऑल अबाउट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे।